आपका एड्रेस प्रूफ और आइडेंटिटी प्रूफ? अरे ये नहीं, कोई पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस या आधार कार्ड? आधार कार्ड। आपने जो एड्रेस भरा है और जो आधार कार्ड में एड्रेस है, दोनों अलग है। आपके पास कोई ऐसा कार्ड होगा जिसमें आपका नया एड्रेस है? जी, ये घर मेरे छोटे भाई का है। अभी कुछ ही दिन पहले हम लोग यहाँ पर आए हैं अपनी बेटी के स्कूल के लिए। अब नौकरी भी नहीं है और कह रहे हैं कि सैलरी चेक से देंगे। अभी नया एड्रेस तो नहीं है हमारे पास। कोई बात नहीं, इस नए एड्रेस के लिए आप एक सिंपल सा डिक्लेरेशन दे दीजिए और आपका अकाउंट खुल जाएगा। और जब एड्रेस प्रूफ आ जाए तो KYC अपडेट करवा दीजिएगा। कहाँ जा रहे हैं चौधरी साहब? अरे मास्टर जी, आप फसल बेची थी कल, तो बैंक जा रहा हूँ रकम लेकर डिपॉजिट करने के लिए। भाई घर में ज्यादा दिन तो रख नहीं सकता। मैं भी बैंक ही जा रहा हूँ, आइए छोड़ देता हूँ। हाँ हाँ चलिए। लेकिन इसके लिए आपको बैंक जाने की क्या जरूरत है? मतलब? अरे चौधरी जी, बैंक आजकल अपने बिजनेस करस्पोंडेंट्स खुद भेजते हैं आपके पास। अरे पर कोई बीच में रकम चंपत करके चला गया तो? अरे ना भाई ना, हम तो खुद ही चले जाएंगे। अरे ऐसे थोड़ी ना होता है, प्रोसेस है पूरा। इनफैक्ट बैंक आपको रसीद भी देता है। अच्छा? हाँ, और क्या क्या सुविधाएं देता है आपका वो बिजनेस बिजनेस करस्पोंडेंट? वही जो एक नॉर्मल बैंक देता है, डिपॉजिट, विड्रॉल, इंश्योरेंस। आप लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, और अगर कभी आपका इन्वेस्टमेंट करने का दिल हो तो ये लोग आपको उसमें पूरी सहायता करेंगे। अच्छा? मुझे अपने फादर को कैसे भी अर्जेंटली पैसे ट्रांसफर करने हैं। ओह, मुझे चेकबुक थोड़ा जल्दी नहीं मिल सकता है? सर इतना टाइम तो लगेगा, पर आप इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू फंड्स ट्रांसफर कर सकते हैं। मेरे पास इंटरनेट बैंकिंग की फैसिलिटी नहीं है, अभी उसके लिए अप्लाई करूंगा तो और टाइम लगेगा। डोंट वरी सर, आप अपने बैंक से NEFT और RTGS के थ्रू कहीं भी और किसी को भी फंड्स ट्रांसफर कर सकते हैं, और वो भी तुरंत। आप इस फॉर्म में अपनी और बेनिफिशियरी अकाउंट डिटेल्स और अमाउंट ये फिल कर दीजिए, आपका काम अभी हो जाएगा। अच्छा मास्टर जी, हाँ? 2-3 साल में लड़के का कोई अच्छा कॉलेज में दाखिला करवाना है। अब बड़ा जो हो रहा है, कल ही मुझे कोई RBI की स्कीम बता रहा था इंटरनेट ईमेल पर, किसानों के लिए। अरे 2 साल में पैसा डबल, सोच रहा हूँ कि 1-2 लाख तो बस डाल ही दूं। चौधरी जी, किसानों के लिए RBI की ऐसी कोई स्कीम नहीं है, ऐसे कई फ्रॉड ईमेल्स आते हैं। सावधान रहिए, बिना सोचे समझे कहीं निवेश मत कीजिएगा। और हाँ, अगर कहीं निवेश करना ही है तो सिर्फ RBI और SEBI द्वारा रजिस्टर्ड संस्थाओं के माध्यम से ही कीजिए। अच्छा, ग्रेट है मास्टर जी, आप अभिषेक को भेजता हूँ आपके पास, दिन ब दिन नालायक हो रहा है। ये लीजिए आपकी अकाउंट ओपनिंग किट। थैंक यू मैडम जी। वेलकम। इनके फंड्स ट्रांसफर हो गए? जी, ये रही रिसीप्ट। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। चौधरी जी, ये है आपके एरिया के बिजनेस करेस्पोंडेंट। धन्यवाद। बैंकिंग के साथ आइए बनाए एक बेहतर कल।